किशनगढ़ बास थाना क्षेत्र के गांव न्याना के समीप बाइक सवार युवक को इको कार ने सामने से टक्कर मार दी, जिसमें बाइक सवार युवक की मौत हो गई। इस मामले की सूचना मिलते ही परिजनों ने मृतक के शव को राजीव गांधी सामान्य अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया, जहां मृतक युवक का पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सौंप दिया है। मृतक के चाचा मकसूद ने बताया कि मृतक आकूब अपने गांव पड़साल्ला से बाइक पर अपनी मां को बैठाकर अपने मौसी के घर कोल गांव आया था। अपनी मां को मौसी के पास छोड़कर बाइक से वापस अपने गांव पड़ासला जा रहा था, तभी न्याणा गांव के पास आकूब को सामने से आ रही तेज गति कार ने टक्कर मार दी, जिसमें आकूब की मौत हो गई। उसके बाद किशनगढ़ बास थाना पुलिस ने अस्पताल में पहुंचकर मृतक का पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सौंप दिया। मृतक आकूब अनमेरिड था और वह फर्नीचर बनाने का कार्य करता था। ये सब अपने मौसी के घर से और घर जा रहा था, तो उसको इसका नाम आकूब है। कहाँ पे है मौसी का घर? कोलगांव जा रहा था, कोलगांव से पड़ासला। फिर किस तो किस के बीच हुआ? ये इको कार से हुआ, ये बाइक पे था। तो किसकी गलती है? तो आमने सामने स्पीड में कार थी, सामने से ये इधर से जा रहा था अपने किशनगढ़ की तरफ से। तो कार चालक का क्या हुआ? कार चालक है, भाग गया वो तो। हाँ, मौके से फरार हो, कार वहीं पे है। क्या नाम है, कहाँ का रहने वाला है? ये पड़ासला का रहने वाला है, आकूब इसका नाम है। क्या काम करता था? ये फर्नीचर काम करता है। भाग गया हुआ? हाँ जी, मौसी के। हाँ जी, वही मौके पर हो गया। अस्पताल में लेकर आए? नहीं, अस्पताल लेके गए। अस्पताल में? रास्ते में। रास्ते में किस चीज पे था? ये बाइक पे था। आपका क्या नाम? मकसूद है मेरा नाम।